ट्रिंकल जस्टिस फॉर ट्रिंकल जस्टिस फॉर ट्रिंकल हत्यारों को ट्रिंकल जस्टिस फॉर ट्रिंकल जस्टिस फॉर ट्रिंकल हत्यारों को फांसी दो हत्यारों को फांसी दो हत्यारों को फांसी दो हत्यारों को फांसी दो जस्टिस फॉर ट्रिंकल जस्टिस फॉर ट्रिंकल जस्टिस फॉर ट्रिंकल हत्यारों को फांसी दो हत्यारों को फांसी दो चलो तो आगे ले लो आगे अर्जा अर्जा ने वो आ रहे हैं तुम निकल आगे गाड़ी निकाल ले चलो मैं लगा दूँ कोई दिक्कत नहीं टेंडल तुम लगा लो लो पकड़ो चप्पल नीचे रखो घटना घटित हुई थी। 2.5 साल की बच्ची ट्विंकल शर्मा के साथ में जो हैवानों ने दरिंदों ने जिस तरीके से प्रताड़ना दी थी उस बच्ची के साथ में आज उस बच्ची के परिवार के साथ हम सब खड़े हुए हैं। सभी उस घटना की भत्सर यानी कि बहुत ही कड़ी निंदा करते हैं और माननीय न्यायालय से अपील करते हैं। जैसा कि पुलिस प्रशासन ने उन्हें पकड़कर जेल के लिए कारावास के लिए भेज दिया है, माननीय न्यायालय से अपील करते हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए, कोई भी नरमी उनके प्रति बढ़ती नहीं जाए, क्योंकि हैवान का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती। जैसा कि उनका आपराधिक इतिहास में 4 साल पहले अपनी खुद की बेटी के साथ में ही उनका रिकॉर्ड रहा है कि रेप कांड का, उस बच्ची को साबित प्रताड़ना दी गई है वो झकझोर करने वाली है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी, राष्ट्रीय महासचिव श्री प्रियंका गांधी जी ने इनका इस घटना का बहुत ही कड़ी निंदा में शब्दों व्यक्त किया है। जैसा कि इस घटना में इस बच्ची के साथ ये हो सकता है इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, बहुत झकाझोर करने वाली ये घटना है। हम इस घटना का बहुत कड़ी निंदा में शोक व्यक्त करते हैं। उस बच्ची के लिए 2 मिनट का मौन व्यक्त मौन रखकर उसके लिए शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। 2 मिनट का मौन रखें जैसे घटे वैसे कार्यकर्ता इसका भक्सर यानी कि पूरी तरीके से विरोध करती है, कड़ी शब्दों में निंदा करती है। ऐसी हत्याएं जो बालिका छोटी बच्ची के साथ हुई है पूरे समाज को झकझोर करने वाली घटना है। हम सरकार से माननीय न्यायालय से अपील करेंगे कोई सजा में नरमी न बरती जाए, इन धर्म पिशाचों के विरुद्ध सख्त से सख्त सजा का प्रयोग किया जाए और ऐसा कानून बनाया जाए आने वाले समय में ना कोई ऐसी घटनाएं व्यतीत हो। एक समाज में नया संदेश दे सरकार कि ऐसे राक्षसों के लिए दानवों के लिए हम ये कानून लेकर आए हैं और उस बच्ची के परिवार के साथ हम साथ माना देते हैं और पूरा समाज उनके साथ खड़ा हुआ है। उसके बाद अल्लाह ताला से हम ये दुआ करते हैं बच्ची की आत्मा को शांति और जन्नत में अच्छी जगह दे। आमीन।
जो ढाई साल की बच्ची के लिए हत्या हुई है, हम उसकी निंदा करते हैं। सरकार को इस पर कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और ऐसे दुष्टाचारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हम इसकी निंदा करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर कैंडल मार्च रखा है और आगे से ऐसी दुर्घटनाएं ना होनी चाहिए। सरकार को इस बारे में सोचना भी चाहिए कि ऐसी दुर्घटना आगे से ना हो। हाँ, और सरकार को सख्त से सख्त उन गुंडों को, भ्रष्टाचारों को, उनको सख्त से सख्त सजा भी मिलनी चाहिए। और जो बोलना चाहें बोलो भाई।